अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ चौधरी। और सभी भाई कैसे हैं जी? सब बढ़िया जी। दोस्तों, तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, ये कबूतरों के लिए मिट्टी और ग्रिट, ठीक है जी। एक जो ग्रिट आती है हम अपने कबूतरों खिलाते हैं, जो मिट्टी होती है तंदूर की मिट्टी या फिर पीली ईंट को हम कूट के खिलाते हैं, तो उस पर हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इधर नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा आता है, उसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा कि इससे अगली जो वीडियो होगी वो आप लोग पहुँचेगी जी सबसे पहले। हम दोस्तों पहले कबूतरों की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं या बीमारी से रिलेटेड, वो आपको वीडियो में कवर करते आ रहे हैं, पीछे से अब तक हम आपको बताते आ रहे हैं। उसके बाद हम आपको कबूतर को उड़ाने का तरीका और कबूतर को उड़ाने के लिए ही सब कुछ प्रोसेस पूरा बताएंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, ग्रिट के ऊपर रहने वाला है और मिट्टी के ऊपर रहने वाला है। तो मैंने दोस्तों ग्रिट भी अपने कबूतरों को खिलाई है और मैं मिट्टी भी अपने दोस्तों खिलाता हूँ, जो कि पीली ईंट होती हैं। पीली ईंट से मतलब होता है पुरानी ईंट और पीली ईंट, वो हम कूट के उनको पाउडर फॉर्म में उनको हम खिलाते हैं कबूतरों के सामने रख के। तो ये ग्रिट है दोस्तों, ये आप देखिए सामने, ठीक है जी। ये ग्रिट है, आप सोचे ग्रिट नहीं है, कुछ और है, आप देख लीजिए, ये ग्रिट है जी, ठीक है जी। तो हम इसको पहले एक साइड में रख देते हैं। आप दोस्तों अपने कबूतरों को ग्रिट भी खिला सकते हैं। खिलानी क्यों चाहिए हमें, उनके फ़ायदे क्या होते हैं, या मिट्टी के या ग्रिट के? दोस्तों, इनों के अंदर एक कैल्शियम होता है जो कि हमारे जो कबूतर होते हैं इन्हों को बहुत शौक से खाते हैं। जब आपने देखा होगा उन्हों के अंडे बच्चे निकले हुए होते हैं, जब बच्चे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं तो वो बाहर निकलते हैं, छतों पर जाते हैं, छोटी छोटी कंकड़ पत्थर से खाते हैं। तो वो यही चीज़ होती है जो कि उनों का कैल्शियम, उनों का हाजमा चलाती रहती है, उन्हों में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती, ठीक है दोस्तों। तो जो मिट्टी होती है पीली मिट्टी, मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मिट्टी है पीली। ग्रिट मैंने आपको दिखा दी, पहले आप मिट्टी देख लीजिए, मैं अपने कबूतर में यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। तो आप दोस्तों ये देखिए, मेरा ही लोफ्ट है, कहीं आप सोचेंगे किसी और के लोफ्ट में आप मिट्टी या ग्रिट दिखा रहे हैं, ठीक है जी। ये आपको मैं लेके चलता हूँ, ये देख सकते हैं आप। हम तो इस तरीके से दोस्तों कबूतरों को आगे मिट्टी रख देते हैं। कबूतर अपने 12 महीने से ही खाते रहते हैं, जब ये ख़त्म हो जाती है फिर उसके बाद दोबारा हम बना लेते हैं। या इसमें देख सकते हैं, इसमें ग्रिट भी मिली हुई है और पीली ईंट भी मिली हुई है। तो मेरे पास दोनों सामान था, तो मैं कभी मिक्स करके भी रख देता हूँ उसको, और कभी खाली पीली ईंट भी रख देता हूँ। कबूतर खुलते ही दोस्तों उसको बहुत शौक से खाते हैं। ये आप देख सकते हैं, सब निशान जो हो रहे हैं ना, ये जब कबूतर खाते हैं तो पीछे को उछालते हैं, इसलिए ईंट पूरी गंदी हुई हुई है। कबूतर शौक से खाते हैं, जिसको जितनी ज़रूरत होती है वो अपने खा के चला जाता है। बाकी इसके आसपास आप ये कहेंगे कि सफाई वगैरह, तो भाई सफाई वगैरह रोज़ होती है। दूसरे लोफ्ट में भी आप देख लीजिए, वो है वहाँ सामने, ठीक है ना। तो दोनों में बिल्कुल सेम हमने कर रखा है। तो बाकी आपसे वो बातें शेयर करते हैं जी दोस्तों। तो आपने मिट्टी भी देख ली और हमारी ग्रिट भी देख ली। मैं कभी कभी इनको मिक्स करके भी रख देता हूँ जी कबूतरों के आगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रिट भी खा लेते हैं और मिट्टी भी खा लेते हैं। लेकिन शौक से जो कबूतर खाता है ना, वो मिट्टी को ज़्यादा खाता है, यानी कि जो पीली ईंट होती है ना, उसको कबूतर बहुत शौक से और चाव से खाता है, ठीक है ना। तो बस ये है कि अपना अपना समझने का फेर है जी। लेकिन जो बेस्ट चीज़ है वो तो दोस्तों ग्रिट ही है जी, वो तो ग्रिट है जो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि इसको खिलाने से कबूतरों के पेट में जल्दी से कीड़े भी नहीं होते, ठीक है ना। बाकी वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये थोड़ा सा महंगा आइटम है जी, वो थोड़ा सस्ता आइटम है, इतना ही फ़र्क है। बाकी काम करने का तरीका इसका थोड़ा ज़्यादा है, उसका कम है, लेकिन कबूतर शौक से उसको ज़्यादा खाते हैं, अपनी मिट्टी को, जो हमारी पीली ईंट की मिट्टी होती है। तो ये आपको जरूर खिलानी चाहिए दोस्तों अपने कबूतरों में, जो पीली ईंट होती है उनको फोड़ के पाउडर करके उनको आप कबूतरों का आगे रखें, कबूतर शौक से खाते हैं, उनको हाजमा वगैरह सब चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कबूतरों के लिए, मिट्टी के लिए या ग्रिट के ऊपर। तो वीडियो आपको कैसी लगी भाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करा करें, अपनी राय भी हमें दिया करें, अपने सवाल जवाब हमसे पूछा करें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही तो बनाया रखा है हमने, ठीक है दोस्तों। तो बाकी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।